बच्चों आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम जाने अनजाने पर चर्चा करेंगे, जैसा कि हम इस कहानी को पढ़ा है और कल की कक्षा से हम प्रश्नोत्तरों पर चर्चा कर रहे हैं। आज का जो यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न दो, आशय स्पष्ट कीजिए। कुछ यहाँ पे आपको वाक्य दिए जाएंगे, उन वाक्यों का आपको आशय स्पष्ट करना है। जैसा कि यहाँ पे पहला प्रश्न है, क सब के सब कामचोर हैं, भीख मांगने का धंधा बना रखा है, मौका मिलते ही चोरी करने से भी नहीं चुकते ये लोग। इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है, डॉक्टर द्वारा भीख मांगने वाले लोगों को जब काम करके पैसा कमाने की सलाह दी जाती है तो वे बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस सच्चाई पर डॉक्टर साहब गुस्से में भर कर उन्हें कामचोर तथा चोर कहते हैं। इस प्रकार हम इस वाक्य का आशय स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरा है, ख एक सही निर्णय सचमुच किसी का जीवन बदल सकता है। यानी एक सही निर्णय जो है किसी का जीवन बदल सकता है, जैसा कि यहाँ पे आशय स्पष्ट किया गया है। एक सही निर्णय सचमुच ही किसी का जीवन बदल देता है। डॉक्टर साहब ने लड़के की सही प्रकार से मदद करके एक सम्मानित जीवन दे दिया, वरना तो यह लड़का जीवन पर्यंत भीख ही मांगता रहता। डॉक्टर साहब जो है एक सही निर्णय लेकर उस लड़के की मदद करते हैं और उस मदद से ही लड़का जो है अपने जीवन में सम्मानित होकर जीवन जीता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, विलोम शब्द लिखना है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, सुगंध का विलोम है दुर्गंध, सम्मानित का विलोम है अपमानित, बढ़िया का विलोम है घटिया, विश्वास का विलोम है अविश्वास, सफाई का विलोम है गंदगी, आत्मनिर्भर का विलोम है पराश्रित। इस प्रकार हम विलोम शब्दों को यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ व्याकरण से संबंधित हम आज समझेंगे। जैसा कि प्रश्न नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है, इसको सबसे पहले हमें पढ़ना है और उसको समझना है। आप जानते हैं मानव जीवन में भाषा का कितना महत्वपूर्ण स्थान है और भाषा में वाक्यों का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। संवाद, कहानी, कविता, लेख या प्रतिदिन के वार्तालाप सब में वाक्यों की उपस्थिति है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, मानव यानी मनुष्य के जीवन में भाषा एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। उसमें से हमें भाषा बोलने के लिए, संवाद के लिए, कहानी, कविता, लेख के लिए प्रतिदिन हम उसको प्रयोग करते रहते हैं। उसमें से वाक्य के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। वाक्य जो है 8 प्रकार के वाक्य हैं। वह विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य और यहाँ पे संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य इस प्रकार बताया गया है। पहला जो है, विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? ऐसे वाक्यों में किसी किसी काम के होने अथवा किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के होने का पता चलता है। विधानवाचक वाक्य में यानी किसी व्यक्ति के बारे में और वस्तु के बारे में, पदार्थ के बारे में हमें पता चलता है। जैसा कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, सुबह 8 बजे मैं क्लिनिक खोलता। दूसरा वाक्य है, क्लिनिक में भीनी भीनी सुगंध भर जाती। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, ऐसे वाक्यों से किसी काम के न होने का बोध होता है। यानी इन निषेधवाचक वाक्य यानी इसमें किसी काम का न होने का पता चलता है। उदाहरण के तौर पर, कुछ साल पहले तक मेरे क्लिनिक में कोई कंपाउंडर नहीं था। मैं झूठ नहीं बोलता बाबूजी। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य,
जिन वाक्यों में कुछ पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं और ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो खाने को अपने माँ बाप से क्यों नहीं मांगते, जैसा कि आप यहाँ पे प्रश्नार्थक चिन्ह देख सकते हैं, सच कह रहा है तू, प्रश्नार्थक चिन्ह यहाँ पे देख सकते हैं। इन वाक्यों से हमें प्रश्न का बोध यहाँ पे हो रहा है। चौथा है विस्मयादिवाचक वाक्य, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ऐसे वाक्यों से विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त किए जाते हैं। जैसे कि छी, इतना सा होकर भीख मांगता है, यानी छी यानी यहाँ पे घृणा हो रही है, छी इतना सा होकर भीख मांगता है, छोटा सा बच्चा भला खाता ही कितना, इस प्रकार हम यहाँ पे देख सकते हैं। पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य, ऐसे वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का पता चलता है, जैसे कि झाड़ू उठाकर क्लिनिक की सफाई कर दो, जैसा कि डॉक्टर साहब पाठ में कहते हैं झाड़ू उठाकर क्लिनिक की सफाई कर दो। दूसरा उदाहरण है सामने के नल से एक बाल्टी पानी ले आओ, इससे हम आज्ञावाचक वाक्य समझ सकते हैं। छठा है इच्छावाचक वाक्य, ऐसे वाक्यों में मन की इच्छा, आशा या आशीर्वाद आदि व्यक्त किए जाते हैं, जैसे कि भगवान तुम्हारा भला करे, सदा खुश रहो। सातवा है संदेहवाचक वाक्य, ऐसे वाक्यों से काम के होने में संदेह पाया जाता है, जैसे कि शायद मेरी दवा से वह ठीक हो जाए। दूसरा उदाहरण है संभवतः आज वर्षा होगी, इस प्रकार हम संदेहवाचक वाक्य में देख सकते हैं। आठवां है संकेतवाचक वाक्य, ऐसे वाक्यों में कोई शर्त या कारण हेतु छुपा रहता है, ऐसे वाक्यों को हेतुवाचक वाक्य भी कहते हैं, जैसे कि अगर उस दिन मैं दया करके उसे भीख में कुछ रुपए दे देता तो वह आज तक भीख ही मांग रहा होता। इस वाक्य में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे शर्त और दया दिख रही है, और जो मेहनत करता है सब उस पर भरोसा करते हैं। इस प्रकार हम इन वाक्यों के अंतर्गत कितने प्रकार हैं उसको हम देख सकते हैं। जैसा कि इन सारे वाक्यों के नियमों के एक एक उदाहरण हमें लिखना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है हर प्रकार का एक एक वाक्य बनाइए, इसको अगली कक्षा में हम उदाहरण यहाँ पे लिखेंगे।